तिल के पाउडर को 1 चम्मच लेना है, उस दूध के अंदर डाल देना है। डालने के बाद 1 चम्मच शहद डाल देना है उसके अंदर। 1 चम्मच शहद डालने के बाद बराबर तीनों सामग्री को बराबर घोल देना, घोल के मिला देना उसको अच्छे से। जब मिल जाता है आपको उसी का सेवन करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ हूँ, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप इसे देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी हमारी माताएँ हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी हड्डियाँ कट कट की आवाज़ आती है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। बैठते हैं तो कट की आवाज़ आती है, उठते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, हड्डियों से आवाज़ आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? जब कैल्शियम की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऐसी आवाज़ें आती है और हमारे जोड़ों में जो दर्द रहता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से रहता है, यह हमारे जोड़ों का दर्द जो रहता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके हड्डियों से आवाज़ आ रही है, आप खड़े होते हैं तो आवाज़ आ रही है, बैठते हैं तो आपके हड्डियों से आवाज़ आ रही है और आपके जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपके कमर में दर्द है, तो ये सारी कमियां जो होती हैं ये कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, हमारी हड्डियों से कट कट की आवाज़ें आती हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपको या आपके घर में किसी को भी, तो आपको नॉलेज रहेगा तो आप इस औषधि का इस्तेमाल करके इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं आप। दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसको आप देख लीजिए और पहचान लीजिए। दोस्तों ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो इसको तिल बोला जाता है, ये सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल है। हमारे किराने की दुकान पे, फॉर्चून की दुकान जो होती है वहाँ पे भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा सफ़ेद तिल। आपको सफ़ेद तिल ले लेना है, सफ़ेद तिल लेने के बाद उस दूध ले लेना है, 1 गिलास दूध लेने के बाद उस दूध को उबाल देना, उबल जाता है, उबलने के बाद आपको उसको उतार के रख देना है। जब हल्का ठंडा हो जाता है तब आपको करना क्या है कि 1 चम्मच उस तिल को ले लेना है, तिल का पाउडर जो आप बना के रखे हो, तिल के पाउडर को 1 चम्मच लेना है, उस दूध के अंदर डाल देना है। 1 चम्मच शहद डाल देना है उसके अंदर। 1 चम्मच शहद डालने के बाद बराबर तीनों सामग्री को बराबर घोल देना, घोल के मिला देना उसको अच्छे से। जब मिल जाता है आपको उसी का सेवन करना है, कंटिन्यू कुछ दिनों तक आपको सेवन करना है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसका सेवन करेंगे तो आपके जोड़ों का जो दर्द रहेगा, आपके कमर का जो दर्द रहेगा, आपके हड्डियों से जो आवाज़ आती रहती है कट कट की आवाज़ जो आती है वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपके जोड़ों का दर्द जो रहेगा वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये रही आज की जानकारी। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुँच सके और वो भी इस औषधि का लाभ ले सके। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।